ज्ञान ही शक्ति है, सूचना मुक्ति है, शिक्षा हर समाज में हर परिवार में प्रगति का आधार है। सभा में उपस्थित निर्णायक मंडल, अध्यापक गण व मेरे प्यारे सहपाठियों को तहे दिल से नमस्कार। मैं विद्धि तिलक सदन की राय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति वर्तमान शिक्षा पद्धति से बेहतर है के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। विद्यालय वर्तमान समय में वे स्थान है जहाँ गुरु अल्प समय में एकत्रित होकर भी शिष्यों को उत्कृष्ट शिक्षा से अवगत कराते हैं। विद्यालय वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, जो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति से बेहतर है, क्योंकि विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से विरह का वियोग नहीं सहना पड़ता। अपने अभिभावकों की छत्र छाया में रहकर वे अपना अध्ययन पूर्ण कर सकते हैं, परंतु गुरुकुल शिक्षा पद्धति में लगभग 25 वर्ष पश्चात ही विद्यार्थी अपने अभिभावकों के पास वापस लौटते थे। इतने लंबे अंतराल के बाद वे अपनों के प्रति प्रेम स्नेह तथा आत्मीयता की भावना को महत्व नहीं दे पाते थे। आप ही बताइए, इतने लंबे अंतराल के बाद एक शिष्य और परिवार के बीच अच्छा संबंध हो सकता है? यदि मैं बात करूं संस्कृति की, तो आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज बच्चों को 3 वर्ष की आयु में ही विद्यालय में प्रवेश दे दिया जाता है, जबकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 8 वर्ष तक बच्चे की आयु की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जिससे उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इसके साथ साथ शिक्षण संस्थाओं में भी बच्चों को 6 से 8 घंटे ही रखा जाता है तथा वापस अपने अभिभावकों के पास ही भेज दिया जाता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सभ्यता तथा संस्कृति को ही सर्वोपरि समझा जाता था, परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास किया जाता है। उदाहरण के तौर पर विद्यालयों में बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान तथा प्रयोगशालाओं में प्रत्यक्ष ज्ञान से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा खेलकूद, नृत्य, कला, अकादमिक विशेषताओं पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत निर्धारण की नियमितता, आवधिक परीक्षण की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का प्रयोग, पुनः परीक्षा तथा स्वयं मूल्यांकन शामिल है। मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, क्या गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बच्चों के मूल्यांकन के लिए कुछ मानदंड निश्चित होते थे? जी नहीं। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और अगर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। धन्यवाद।